खबर मध्य प्रदेश की रीवा जिले से है, जहां गोविंदगढ़ पुलिस ने एक बस तस्करी के मामले का खुलासा किया है। बताया जाता है कि ट्रक में 16 भैंस और 2 उनके बछड़ों को निर्दयता पूर्वक लोड कर उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उक्त ट्रक को सिपुरवा में रोक कर तलाशी ली तो उसमें जानवर लोड मिले, जिनमें से कुछ की मौत भी हो चुकी थी। पुलिस ने उक्त जानवरों को ले जाने वाले शरीफ नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया है। वहीं पुलिस को देखकर चालक और उसके अन्य साथी फरार हो गए हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं, एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने की गई कार्यवाही के संबंध में क्या जानकारी दी है। थाना गोविंदगढ़ श्रीपुरवा ग्राम के पास में एक शरीफ करके व्यक्ति था, उसने 16 भैंस और 2 पड़वा इनको क्रय करके और एक ट्रक में भर करके ले जा रहा था। कौसाम्बी जो पशुओं का मेला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ ले जाना था उसको, लेकिन उसने जानवरों के साथ बड़ी क्रूरता की और एक पड़वा उसमें मर भी गया। तो इनके खिलाफ जो है पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई की गई है। शरीफ को जो है इस कार्रवाई के लिए जो है गिरफ्तार किया गया है और शेष आरोपी 3 और हैं, जो ट्रक का चालक है, इलाहाबाद का रहने वाला है, और 2 अमृति के और हैं अभियुक्त, जिनकी पुलिस अभी तलाश में गई हुई है। राजवाटिका विवाह घर, सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है, राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।